सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल माई वेज माई रूल्स। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में माई वेज माई रूल्स में। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आपने हमारी सारी वीडियोज़ को देखा, पसंद किया और आपको अच्छा लगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो गाइज, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही आप हमारे चैनल को और ज़्यादा प्यार दीजिए, और ज़्यादा हमारे चैनल को बूस्टअप कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज, फाइनली अब वक्त आ चुका है, हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। सो हम झरी पानी से निकल कर अपना खूब इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद अब हम सीधे देहरादून के लिए आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम फाइनली एंटर हुए हैं देहरादून में। तो गाइज, कुल मिलाकर कहना चाहिए कि ये जो ट्रिप रही है, ये जो ट्रिप की जो सीरीज़ रही है, सच में बहुत ज़बरदस्त रही है। हाँ, लेकिन लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जो हमारी प्लानिंग्स थी, वो प्लानिंग सारी एक तरीके से पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जैसे जैसे कोविड का जो ये क्या नाम है टाइम है, ये जैसे जैसे ख़त्म होगा, सो उसी हिसाब से फिर जब सारी चीज़ें खुलती जाएंगी, तो अगर हुआ दोबारा से हमारा आने का उत्तराखंड में, तो गाइज फिर उन सब चीज़ों को हम एक बार फिर से कवर करेंगे। तो गाइज, बस आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमें आप प्यार देते रहिए ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो सके। सो गाइज, यही कुछ थोड़ी सी बातें हैं और हम इन चीज़ों को आप तक पहुंचाते हैं। गाइज, बस आप हमें ऐसे ही इंकरेज करते रहिए, हमारे वीडियोस को आप प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोस को और ज़्यादा आप शेयर करते रहिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो गाइज, ये चीज़ें बस हम आप तक शेयर करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है और लोग घर बैठे बैठे काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो गाइस, बस यही हमारा एक मोटिव है, सारे जितनी भी हम और जो चीज़ें हैं देखते हैं। अरे क्या बात हो गई, मुझे लगा शायद ये हमें रोक रहे थे कि कोई चीज़ें हमारे पास, वैसे हम सारी चीज़ें प्रे करके लाए थे। तो गाइस, फाइनली अब अपनी आरएस में पेट्रोल डलवाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि एक पॉइंट बचा है, तो एक पॉइंट पे मैं रिस्क नहीं ले सकते हम। पकड़ना जरा। तो हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, और तब तक आप चैनल पर नए हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो आपको ये लाल कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है साइड में, आप उसको तोड़िए फोड़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बूस्टअप मिलता है हमारे चैनल को। सो गाइस, ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस, आगे की ट्रिप के लिए हम प्लान करेंगे कहाँ जाना है, तो उसके लिए भी आप हम आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाते रहेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशंस ये हैं कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने लर्न किया है इन कोविड टाइम में, और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हुए जितनी भी कहनी चाहिए टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं, उसमें आप अगर इन फ्यूचर अगर आप कोविड टाइम में या फिर लॉकडाउन के टाइम में अगर आप जाते हैं, तो गाइस सबसे पहले आप अपना कोविड टेस्ट, और जो आपका जहां पर आप जा रहे हैं जिस प्लेस में, उस प्लेस का प्रॉपर एक ई पास होना चाहिए, और आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करके जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सो गाइज, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है भी छोटी और है भी बहुत बड़ी। तो गाइज, बस यही वाली चीज़ें हैं कि आप हर एक चीज़ों को कैरी करके चलिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहिए कि हर एक चीज़ें
आसान हो जाती हैं ट्रिप में। तो हमसे बस यही गलती हुई थी जो कि हम बस जो टिहरी पे जाने के लिए हमें जो ई पास हमने नहीं बनवाया था यहाँ से जाते हुए मेरठ से अपने, तो हमने वहीं पे जाके ई पास बनवाया, तो बस वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हुआ था। वेस्ट इन द सेंस कि टाइम ज़्यादा लग गया था, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से जो जो चीज़ें हमें थोड़ी और कवर करनी चाहिए थी वो हम कवर नहीं कर पाए थे। तो टिहरी पे जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर रुके हैं 1-2 घंटे के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर हमें वहाँ से सीधा अपने मसूरी में अपने रूम की तरफ भी जाना था जल्दी। तो हमने सोचा था कि हम रात होने से पहले पहले निकल जाएंगे, तो बस वही रीज़न है कि टाइम इतना ज़्यादा हमारा वेस्ट हो चुका था उस दौरान। तो लेकिन कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम डैम को नहीं एक्सप्लोर कर पाए आपके लिए, बस एक लेक थी जो हमने आपको दिखाई, और डनॉल्टी जब हम रास्ते में से वापस आ रहे थे जब देख रहे देखने के लिए गए तो धनौल्टी भी में भी इको पार्क बंद था, इको पार्क में हम नहीं जा पाए। तो ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं, कई सारे स्पॉट्स हैं जो क्या नाम है कोविड के रीज़न बंद थे। तो गाइस बस आप हर एक चीज़ का ध्यान रख के चलिए, वैसे तो अब ये कोविड का जो टाइम है धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, तो आगे कोई मुझे लगता है कि इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम बस थोड़ी सी ये है कि बस ये जो बीमारी है बस ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि हर एक बंदा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और गाइज बस ये है कि आप जब भी कभी अपने बाहर निकलें ऐसी जगह पे तो आप मास्क और बस थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, अपनी सेफ्टी आप अपने हाथ में रखिए, क्योंकि बस यही है। तो गाइज बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए हमारी वीडियोज़ को, हमारे चैनल को। तो गाइज़ आप इस सीरीज़ को अगर आप अच्छी लगी ऐसी ये सीरीज़ हमारी जो उत्तराखंड की दोबारा से एक बार हमने करी है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम अपनी इस चैनल को और लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि और लोग इन चीज़ों को देख सकें जो लोग नहीं जा पाते हैं अपने घरों से। तो गाइज आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार करते रहिए। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आगे के व्लॉग्स में जो कि हम कंप्लीट करेंगे, प्लान करेंगे व्लॉग्स को। तो तब तक आपके लिए हम अपने इस चैनल पे यूट्यूब शॉर्ट्स वाली वीडियोस जो हैं हम उसको अपलोड करते रहेंगे ताकि आप उन वीडियोस को आप इंजॉय कर सकें थोड़े इन चीज़ों को। तो गाइज बस तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा आप अपना प्यार हमें देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।